हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू सोनीज किचन। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड कॉर्न टोस्ट। ब्रेड कॉर्न टोस्ट ये बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स। ये रेसिपी आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में पैक करके देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए बना लेते हैं ब्रेड कॉर्न टोस्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ब्रेड कॉर्न टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। मैंने यहाँ पे 5 स्लाइसेस ब्रेड लिया हुआ है। 1.5 कप मिल्क लेंगे। आप कौन सा भी मिल्क ले सकते हैं, फुल्ली फैट या कौन सा भी ले सकते हैं। आप टोंड मिल्क भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये 1/2 कप हम कॉर्न लेंगे, स्वीट कॉर्न। मैंने इसको निकाल के इस तरह से बॉयल करके रख लिया है। और ये अनियन है, अनियन फाइन चॉप किया हुआ 1/2 कप लेंगे। 1/2 कप कैप्सिकम लेंगे फाइन चॉप किया हुआ। और ये है व्हीट फ्लार, व्हीट फ्लार हमें 2 टेबलस्पून की ज़रूरत है। और ये चीज़ को मैंने ग्रेट करके 1/2 कप रख लिया है। और ये बटर लेंगे फ्रेंड्स, ये होममेड बटर है। आपको अगर इस तरह की बटर की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं इसकी रेसिपी बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और हम लेंगे नमक लेंगे टेस्ट के अनुसार, बहुत थोड़ी सी नमक लेंगे। और ये रेड चिली फ्लेक्स है फ्रेंड्स। और ये ब्लैक पेपर पाउडर, ऑरिगेनो 1 टीस्पून ऑरिगेनो लेंगे। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया है। अब हम इसमें बटर लेंगे। अब इसमें अनियन ऐड कर लेते हैं। अनियन को पिंक कलर होने तक फ्राई करनी है। ब्राउन नहीं करना है फ्रेंड्स, पिंक कलर की होने तक फ्राई करनी है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपना कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। इसे भी 2 मिनट फ्राई करेंगे। अब हम इसमें अपना व्हीट फ्लोर जो है आटा वो डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, लिटिल ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। और फ्लेम को स्लो ही रखना है फ्रेंड्स, इसे हिलाते रहना है, आटा जल ना जाए। फ्रेंड देखिए, आटा का कलर चेंज हो रहा है, जैसे ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करेंगे, आटे का जो कच्चा टेस्ट है वो निकल जाए।
फ्रेंड्स अभी हम इसमें अपना मिल्क ऐड कर लेते हैं। मिल्क को धीरे धीरे करके ऐड करना है, आटे का लम्स ना बन जाए। स्टर करते रहिए। अब हम इसमें अपना बॉइल कॉर्न जो है कॉर्न कर्नल्स ये भी डाल देते हैं। अभी इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो अभी मैं अपना टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हिलाते रहना है फ्रेंड्स ताकि लम्स ना बन जाए। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम अपना चीज डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये पूरे प्रोसेस पे आपको गैस का फ्लेम सिम रखना है, यानी कि स्लो रखना है। देखिए इतना पतला हम इसी तरह से इसी कंसिस्टेंसी में रखनी है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे, ये ठंडा होने पे और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो अभी गैस को हम ऑफ कर लेते हैं। गैस को ऑफ करेंगे और ये मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स देखिए ये मिश्रण ठंडा हो गया है, मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसका ब्रेड टोस्ट बनाएंगे। मैंने गैस चालू कर लिया है और एक तवा ले लिया है गैस पे। पैन या तवा कुछ भी ले लीजिए, थोड़े से बटर लगा लेंगे हम। अब अपना ब्रेड लेंगे, एक ब्रेड लेंगे। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर ये टॉपिंग लगा लेंगे इस तरह से। इसे तवा के ऊपर रखेंगे, फिर से एक स्लाइस लेंगे, फिर से उसी तरह से टॉपिंग स्प्रेड करेंगे। और एक स्लाइस लेके इसी तरह से सारे स्लाइसेस को हमने टॉपिंग स्प्रेड करनी है इसके ऊपर और इसका टोस्ट बनानी है।
अब हम इसके ऊपर थोड़े से चीज ऊपर से टॉपिंग करेंगे। थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, और इसे हम लो फ्लेम में ढक करके पकाएंगे। इसे हम इस तरह से ढक लेंगे, 5 से 10 मिनट इसे इसी तरह ढक के लो फ्लेम में पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहिए तो इसे टोस्टर में भी बना सकते हैं 200 डिग्री सेल्सियस में। मैं यहाँ पे जो चीजें हमारे घर में अवेलेबल है, कुछ लोगों के पास टोस्टर नहीं होती है तो उन लोगों के लिए मैं, आप पैन या तवा पे भी बना सकते हैं, मैं इजी मेथड बता रही हूँ, आप चाहिए तो टोस्टर में भी बना सकते हैं। तो इसे ढक के हम 10 मिनट पकाएंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट्स हो गया है, अब हम अपना टोस्ट चेक कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये चीज भी मेल्ट हो गया है, हमारा टोस्ट रेडी है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अपना टोस्ट रेडी है, ये सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। फ्रेंड्स देखिए, हमारे ब्रेड कॉर्न टोस्ट रेडी है, और देखिए फ्रेंड्स इसका लुक कितनी अच्छी लग रही है। ये ब्रेड क्रंची हो गया है टोस्ट करने के बाद, और ये जो टॉपिंग है ये एकदम स्मूथी है, और ये चीज जब मेल्ट होके उसका टेस्ट देता है ब्लैक पेपर और रेड चिल्ली के साथ, बहुत ही ऑसम टेस्ट है फ्रेंड्स। ये बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। आप ये टॉपिंग को पहले से बना के रख सकते हैं फ्रिज में, ये जो आपने पहले हमने ग्रेवी के जैसे बनाया है आप पहले से बना लीजिए, टिफिन में किसी भी एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख लीजिए, खराब नहीं होती है, 4 से 5 दिन आप आराम से रख सकते हैं। और जब भी आपको ये टोस्ट बनानी हो तुरंत ब्रेड के ऊपर टॉपिंग कीजिए और फिर टोस्ट कर लीजिए, टोस्टर में कीजिए, पैन में कीजिए, तवे में कीजिए, आराम से ही बन जाती है। आप अगर वर्किंग लेडी है तो आपके लिए ये डिश परफेक्ट है। आप इसे पराठे में भी लगा सकते हैं, पराठे में लगा के बच्चों को दे सकते हैं। ये डिश बहुत ही अच्छा और इजी बनती है फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।